हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलती है फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी जॉब अलर्ट से संबंधित नई नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और भगवान आपको इसी तरह हमेशा अच्छा रखे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना भी करता हूं। दोस्तों, वीडियो का टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो हमारा किस पे होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, हमारा बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की वीडियो का बनाने का जो मोटिव है वो क्या है। आपको याद होगा, जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इससे एक दो वीडियो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि हम ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर बैठे अगर हमारा 10th या 12th या माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुछ भी गुम हो जाता है और हमने CBSE बोर्ड से पास आउट किया है, 1975 से लेकर 2021 तक का सारा डाटा ऑनलाइन हो चुका है, तो वहां से हम किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं और बिना CBSE बोर्ड में जाए हम अपने घर में अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट और माइग्रेशन कैसे मंगा सकते हैं। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तब आपको पूरा जो है कहानी समझ आ जाएगी। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, जब हम ऑनलाइन अपना माइग्रेशन या सर्टिफिकेट अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उसका जो स्टेटस है उसे देखने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, कि अगर हम अप्लाई तो कर दें बट उसके बाद जो उसका स्टेटस है, अंडर प्रोग्रेस है या ट्रैक उन्होंने पोस्ट कर दिया वहाँ से, तो ये सारी चीज़ें कैसे हम देख पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ, जब हम इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमें एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है जनरेट होके, उस एप्लीकेशन के नंबर के थ्रू कितने आसान तरीके से हम अपने मोबाइल से बिना किसी की हेल्प के और विद टॉकबैक हम बहुत इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ किस तरीके से हमने उसका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक करना है। दोस्तों, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है मार्कशीट और सर्टिफिकेट के लिए, उस जो वीडियो का लिंक है ना, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में मैंने दे दिया है। आप जाइए उसे चेकआउट कीजिए, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगर वो आपने वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहें। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जॉब अलर्ट से रिलेटेड, स्पेशली जो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए वैकेंसी होती हैं उनकी जो अपडेट है वो यहाँ पे मैं लाता रहता हूँ, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी मैं यहाँ पे वीडियोस लाता रहता हूँ, ठीक है। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनसे मेरी एक शिकायत है, दोस्तों जो पास में बेल आइकन होता है ना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, वो बहुत से लोगों ने ऑफ कर रखा है, तो प्लीज़ उसको डबल टैप करके ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है तरुण जुनेजा, आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन फॉर विजुअल इम्पेयर्ड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम सीख लेते हैं कि हम अपना एप्लीकेशन जो स्टेटस है CBSE बोर्ड से, अगर हम कुछ भी मंगवाते हैं तो उसका एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसके लिए जो वेबसाइट का लिंक है, वैसे तो हम CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उस लिंक को ढूंढ सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ उसमें बहुत सारे आपको झंझट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में दोनों
दोनों ही जगह पे मैंने उसको पिन कर दिया है, उस वेबसाइट के डायरेक्ट लिंक को जहाँ से एप्लीकेशन का स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। तो आप जाइए इस वीडियो के कमेंट को खोल लीजिए, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल लीजिए, दोनों ही जगह पे आपको इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डायरेक्ट लिंक दे दिया है मैंने, ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो और आप बहुत ही आसान तरीके से और ईजी तरीके से अपना एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर पाए। तो चलिए मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन स्टेटस को किस तरह से हम अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। CBSE Duplicate Academy Document System, ये देखिए, ये मैंने इसको बुकमार्क कर रखा था, तो आप भी इसको बुकमार्क कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत हो या आपके दोस्त को जरूरत हो तो उनको बहुत ही इजीली मिल सके। दोस्तों, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, वीडियो पे फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है, कर दिया है तो आपका पहले से बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और कहूंगा अंत में, अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी चीज़ समझ आएगी, आधा अधूरा छोड़ देंगे तो चीज़ समझ नहीं आएगी। और दोस्तों, वीडियो को जब कंप्लीट आप देख लेंगे उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। अगर आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है अभी तक, तो जाइए देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको उसका भी लिंक दे दिया है मैंने, ठीक है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन CBSE बोर्ड 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट और माइग्रेशन कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्वाइप करता हूँ, राइट स्वाइप करते करते आगे चलता हूँ। Duplicate Academic Document System, देखिए ये इसकी हेडिंग आ गई, आगे चलेंगे हम। मार्कशीट, माइग्रेशन एंड पास सर्टिफिकेट, देखिए मार्कशीट एंड माइग्रेशन एंड पास सर्टिफिकेट। CBSE Back to previous page, application no. देखिए application number, आपको याद होगा जो पिछले वीडियो मैंने इसका first part बनाया था, अगर आपने देखा हो तो, जब हम सारी चीज follow कर लेते हैं उसके बाद हमें application number मिल जाता है generate होके, ठीक है। उस application number को आपने यहाँ पे डालना है, तो जैसे कि मैं अपना डालता हूँ, ठीक है, मैं right swipe करता हूँ। Enter the application no. इसको double tap करेंगे। हिंदी भारत app अगली showing English India QWERTY W Showing digit key to 2 1. Showing English India D Showing digit key 0 9 3 3 7 7 back. Digit keyboard hidden. तो दोस्तों, फाइनली मैंने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप कर लिया क्योंकि मुझे याद था। अब मैं क्या करूँगा, ट्रैक पे डबल टैप करूंगा। Marksheet by CBSE Back to previous application no W21DD093377. ये देखिए, ये डल गया, मैं राइट स्वाइप करता हूँ। ट्रैक, सिंपली ट्रैक पे हमने डबल टैप करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई कैप्चर नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही इजीली तरीके से हम यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं राइट स्वाइप करते करते आगे चलूंगा। ट्रैक एप्लीकेशन नो, देखिए एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ये क्या क्या बताएगा हमें, सारा कुछ बता रहा है। पासिंग ईयर क्या था, नेम, एड्रेस फॉर डिस्पैच, एड्रेस फॉर डिस्मैच, डॉक्यूमेंट अप्लाई, डॉक्यूमेंट कौन सा अप्लाई किया था, स्टेटस, ठीक है। अब देखते हैं वन बाय वन, देख लेते हैं। वन, देखिए पहले में क्या है, W21DD093377, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया, 2670493, ये यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा आपका, 2020, ये 2020 में पास आउट था, Taren Coomer, नाम आ गया यहाँ पे, H number 375, ward numbers migration, यहाँ पे देखिए एड्रेस आ गया, माइग्रेशन अप्लाई किया था। Your document has been dispatched on given address. Tracking no ED01374867 5IN. ये देखिए, ये बता रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्पैच कर दिया गया है हमारे द्वारा, और स्पीड पोस्ट किया है उन्होंने, और जो स्पीड पोस्ट का नंबर है वो यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे डिस्पैच नहीं दिखाता है तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे दिखाएगा वो दिखाएगा अंडर प्रोग्रेस, ठीक है। यदि अंडर प्रोग्रेस दिखाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका डॉक्यूमेंट अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है। यदि वो अंडर प्रोग्रेस से हटकर ये दिखा देता है योर डॉक्यूमेंट हैज बीन डिस्पैच, तो उसका मतलब यही होता है कि उधर से पोस्ट कर दिया गया। आपके घर में आने में कितना टाइम लगेगा वो आप क्या करेंगे, इस जो पोस्ट स्पीड पोस्ट नंबर दिया गया है यहाँ पर ट्रैकिंग वाला, इसको आप कॉपी करेंगे, उसके बाद आप पोस्ट इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट की, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर पाएंगे कि करंट स्टेटस आपका क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है यहाँ पे स्टेटस चेक करने का है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।